नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग क्षेत्र में, जो राजा कमेटी हॉल के पास है। यहाँ पे एक नाला खुला रखा हुआ है, जिसमें कई लोग इस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ कंकड़बाग क्षेत्र देखिए किस तरह से यहाँ पे आदमी लोग को निकाला जा रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरह से नाला में से एक आदमी को निकाला गया, गाड़ी के साथ वो गिर गए थे। अभी उनको चोट लगी है और उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे गड्ढा भी हो सकता है। बीच रोड सड़क पे ये नाला का गड्ढा है और इस पे कोई सरकार है या नगर निगम और यहाँ के वार्ड के कोई भी आदमी लोग नहीं दे रहे हैं। तीन आदमी गिर चुका है बाबा। हाँ। हम लोग कितना दिन से लगे हुए हैं? हाँ तो बाबा, ये कितने दिन से ये पड़ा हुआ है? 6 महीने। इस पे आप लोग कोई भी कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाए हैं नगर निगम में? 7 महीना से पहले कंप्लेंट चल रही है। कंप्लेंट कई बार से कम आया हुआ है, कितना बार किया लेकिन काम नहीं कर रहा, काम हो ही नहीं रहा। नगर निगम में गाड़ी फंस चुका है, नगर निगम में गाड़ी फंस चुका है। फिर भी हमने कहा 24 आवर में सर्विस देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। नगर निगम गाड़ी फंस गई। अच्छा, और नगर निगम की भी गाड़ी फंस गई है और लोगों का भी काफी नुकसान हुआ होगा। फिर गाड़ी लगी है तो यहाँ के वार्ड पार्षद जो है वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। अरे अच्छा, लड़का भी है वो गिर जाता तो आए दिन रोज गिर रहे हैं। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कहने के बाद भी कुछ सुनता ही नहीं है। ये कितने महीने से ये खुला है? करीब 2-3 महीना हो गया। 7 महीने से ये खुला है, 3-4 महीना ऊपर हो गया। आप तो देख रहे हैं इधर, हम ठीक है। आप लोग कितना बार कंप्लेन कराने का याद रहती तक है? बहुत बार। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ के बता रहे हैं कि गड्ढा है? कितने महीने से ये गड्ढा? नाला तो बहुत दिन से है, 7 महीना से है, लेकिन हमने 4 दिन पहले भी गया था, जो कुछ लोग गिर गए थे कुछ निकलवाए थे। 2 दिन पहले नगर निगम में गाड़ी फंस गया, उससे ये ज़्यादा बहुत बड़ी गड्ढे हो गई है और ये पद साफ करवा के ये छोड़ दिए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये नाला से कई लोग का मृत्यु हो सकता है, लेकिन वहाँ लोग अगल बगल में रहते हैं तो घर पकड़ के निकाल देते हैं। इस बात को लेकर कोई भी चिंता बोले 24 घंटा में बन जाएगा, 24 घंटा कभी आया ही नहीं तो 24 घंटा बनेगा क्यों? लेकिन फिर भी वो निगम के स्टाफ हैं, हम उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक इसमें कितने आदमी गिर गए हैं? अभी तक कम से कम 7 लोग को मैं अपने से हॉस्पिटलाइज ले गया हूँ। एक डॉक्टर संतोष के पिताजी जो काफ़ी एज थे, 3 क्विंटल का वजन अपने इंडिवर से लोड करके कुमार नर्सिंग होम में भर्ती किया। दूसरा एक माता जी थी जिनका आँख खराब होने के कारण वो इस तरह गिरी कि उनके ब्रेन में चोट लगने के कारण वो नहीं रह पाई इस दुनिया में। तीसरा एक बच्चा गिर गया था जिसको हम लोग किसी न किसी तरह से बचा लिए। चौथा एक कुत्ता का बच्चा गिर गया था, उसको भी निकालने का प्रयास किए और वो निकल गए। पांचवा ये कल ही गाड़ी फंस गई थी इंडिवर। छठा नगर निगम की गाड़ी फंस चुकी थी और वो हाइड्रोलिक से आपका निगम का जो जेसीबी मशीन है उससे निकाला गया है और इसका वीडियो है मेरे जीता जगता। आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से ये गड्ढा पड़ा हुआ है, मगर इस पर कोई नगर निगम चाहे यहाँ की सरकार की जो देख रेख करते हैं कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अच्छा, यहाँ के पार्षद जो हैं आपको कुछ काम करने के लिए बोले? इधर कुछ कभी कभी आते भी नहीं है, बहुत कम ही आते हैं, नगर में नहीं आते हैं। और इनको तो खुद देखना चाहिए, नगर निगम के लोग आते हैं लेकिन देख के चले जाते हैं। कहा अपना साफ सुथरा कर दिए और इनको प्रॉपर्ली ठीक किया है तो प्रॉपर्ली को ढक्कन वगैरह लगा देना चाहिए, ढक्कन बाहर निकाल दिए और छोड़ दिए खुला होकर। अब इसमें तो कोई भी नहीं गिर जाएगा। ये 4-5 रोड के चौराहा, यहाँ पे अशोक नगर रोड नंबर 1 है, आजाद नगर 1, 2, 3, 4 का चौराहा है, मगर सलम क्वार्टर का रास्ता है, LIGH का रास्ता है, ये कॉर्नर का नाला है, मगर इस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा। कोई भी नगर निगम का कर्मचारी चाहे कोई भी वर्कर
उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ के वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं लोग कि यहाँ पे ये बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ पे ना 34 वार्ड की है, ना 31 वार्ड की, ना 31 वार्ड तो 15 फीट गड्ढे है। ये काफ़ी गड्ढा है, बहुत बुरा स्थिति है इसके अंदर का, जो बहुत ही भयानक रूप ले लेती है अगर आदमी गिर जाने के बाद। हाथ में छर घुस जा सकता है। और ये इसका निकासी लगता है, मेन पावर पॉइंट से निकासी है, अगर इसमें मिला हुआ है गिर जाएगा तो ये कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा लड़का, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत ही बुरा स्थिति है सरकार।